मैं आपका भाई विकास और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लास में। दोस्तों मैं आपके लिए आज बेहतरीन वीडियो लाया हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी VVI क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही काम आएगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब किस प्रकृति कैसी होती है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा होता। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, साइन आई बटे साइन आर। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान साइन आई बटे साइन आर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम प्रिज्म का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रिज्म। अगला प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। दोस्तों चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, चालक की प्रकृति, ये सभी पर निर्भर करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस द्वारा किया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस द्वारा। दीर्घ दृष्टि का उपचार उत्तल लेंस द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए दोस्तों नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 10 ओम और 20 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने का समतुल प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों श्रेणी क्रम में हम 10 और 20 ओम को जोड़ेंगे तो 30 ओम हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 ओम। दोस्तों अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो आने का नोटिफिकेशन मिल सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन अवकारक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, H2। H2 एक अवकारक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संचारण में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो संचारण में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, उपचयन होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपचयन। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा H2SO4, निम्न में H2SO4 जो है दुर्बल अम्ल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है। मतलब कौन सी ऐसी धातु है जो अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लेती। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिंक। जिंक जो है अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लेती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कॉपर के अयस्क हैं। दोस्तों कॉपर के अयस्क जो है क्यूफ्राइट जो है कॉपर के अयस्क हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्बन क्या है। तो दोस्तों कार्बन एक अधातु है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, अधातु। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों हीलियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 2 होता है, तो बाहरी कक्षा में स्वाभाविक 2 ही रहेंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, मतलब किससे बाहर निकलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज के विखंडन के फलस्वरूप ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य का समान रक्त दाब होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 120/80। मनुष्य का समान रक्त दाब 120/80 होता है। अगला प्रश्न है, पाइरूवेट का विखंडन किस में होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। पाइरूवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला प्रश्न है, नेफ्रॉन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। मतलब इसका परिभाषा भी होता है वृक्का, नेफ्रॉन के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को वृक्क कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृक्क। अगला प्रश्न है दोस्तों, रंध्र का मुख्य कार्य होता है। तो रंध्र का जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों वो गैसों का विनिमय यानी आदान प्रदान होता है और एवं वाष्पोत्सर्जन में काम आते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन अलैंगिक जन्म की विधि है।
निम्न में कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए विखंडन भी है अलैंगिक जनन की विधि, मुकलन भी और द्विखंडन भी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियो आने का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ, और इसी तरह से आप हमें प्यार बनाए रखें, और अगले वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही काम आएगा। तो चलिए दोस्तों।